वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जी केस। एक नए ब्लॉग के साथ आज हम फिर आपके सामने आए हैं। आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं सर्दियों की शुरुआत में सुबह सुबह का टाइम, ठंडी ठंडी हवा और ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो हमारे लाइफ में शुरू हो जाते हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे पहले तो हम अपने गर्म कपड़ों को निकालना शुरू कर देते हैं, उनकी साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए घर की साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। पर इन पर इनके साथ साथ इस मौसम में पार्क की देखभाल और उससे जुड़ी चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं। सर्दियों से जुड़ी ऐसे कई चीज़ें, कई सब्जियां जो हम सर्दियां आने से पहले उगाते हैं और पूरी सर्दियों में उनका मज़ा लेते हैं खाके। तो ये मेरा एक छोटा सा पार्क है, क्यारियां बनाई है हमने घर पे और इसमें मैंने सर्दियों से जुड़ी हर चीज़ें लगाई है। साग, मेथी, पालक, धनिया, हरे प्याज, लहसुन, मूली, शलगम, ऐसी और भी बहुत सी सब्जियां जो इन क्यारियों में मैं लगाई है। और शुरुआत के समय में अगर हम ये लगा देंगे तो सर्दियों में, पूरी सर्दियों में हम उसका मज़ा लेंगे। तो चलिए आज मैं आप अपना पार्क भी घुमाती हूँ और इस वीडियो की शुरुआत में। आँखों को सुकून देती है वो है हरियाली, और बागवानी एक बहुत अच्छा शौक है जो हम सबको करना चाहिए। घरों का कुछ हिस्सा जो हम बागवानी के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर यूज़ करें उसे, और कुछ ताज़ी सब्जियां या फल वहाँ पे ज़रूर लगाएं। हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में ऐसी सब्जियां हों जो ऑर्गेनिक हों और हम उस ऑर्गेनिक चीज़ को खुद भी और अपने बच्चों को खिला सकें। वो गमलों में है या फिर अगर आपके पास जगह है तो वहाँ पे लगाकर इस चीज़ को उत्साह दें। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए।
इससे ना केवल एक शौक पूरा होता है बल्कि हेल्थ भी हमारी बेहतर होती है, क्योंकि बागवानी करते हुए ये हेल्थ एक्सरसाइज के रूप में हमें यूज़ हो जाती है। तो ये मेरे घर की एक छोटी सी पार्क है जहाँ हम अलग अलग तरह की हमने सब्जियाँ लगाई है। अभी सर्दियों की शुरुआत है तो इसलिए शुरुआत में बोना स्टार्ट कर दिया है क्यारियाँ बनाकर। ये है कड़ी पत्ता, इससे पहले हरी मिर्च के बूटे और बैंगन के बूटे थे। ये थोड़ी सी एलोवेरा लगाई हुई है। इसके अलावा साग, मेथी, हरा धनिया, शलगम, मूली, ये सब चीज़ें हमने अपनी क्यारियों में लगाई हैं। अभी पीछे से हमने अपने घर की ही क्यारियों में हल्दी उगाई हुई थी तो उसे अब निकाल लिया है। हल्दी की गांठें बन गई है तो उसे सुखाकर धोकर अच्छे से हम यूज़ कर लेंगे। तो बहुत सी ऐसी सब्जियां हरी होती है जो हम इन मौसम में भरपूर खा सकते हैं। ये छोटे छोटे आम के बूटे हैं जो बरसातों में लगा दिए गए थे और ये देखिए अब वो हो गए हैं, तो अलग अलग करके इन्हें लगा दिया जाएगा। और ये देखिए कुछ एलोवेरा के हैं और कुछ दोपहर खिली के बूटे गमलों में लगे हुए हैं। दोपहर खिली एक बहुत ही सुंदर फूल है जो दोपहर दिन के समय सूरज के समय खिलता है और शाम को बंद हो जाता है, और गर्मियों में ज़्यादातर ये रहता है, सर्दियों में सूख जाता है। पर इनकी जड़ें ख़त्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सर्दियाँ निकलने के बाद जब गर्मियों की फिर शुरुआत होंगी तो ये फिर से बूटे बन जाएंगे। हमें अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए पर अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी समय का प्रयोग ज़रूर करें। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने परिवार की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने कामकाजी माहौल में इतने बिजी हो जाएं कि अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकें। तो कुछ समय अपनी पार्क में बैठकर अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करना बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दियों की इस ठंडी ठंडी धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक तो हमारे शरीर को इसमें विटामिन डी भी मिलता है और एक गर्माहट भी मिलती है जिससे इस सर्दियों की ठंडी हवा से हमें चैन पड़ती है। तो होप करती हूँ ये पार्क वाली वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, मेरे गार्डन में घूमना अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय फ्रॉम माई साइड।